शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। तो सारे साथी में मैंने देखा है ज़्यादा तौर पर कि लोगों को बताया जाता है कि नीलम पहनो, ब्लू सफ़र। तो ब्लू सफ़र का रिलेशन क्या है शनि के साथ, सारे साथी के टाइम पे यू नो पहनने के साथ, या महादशा आए शनि की, तो रेलेवेंस क्या है ब्लू सफ़र का? वेरी गुड, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये है कि नीलम के लिए एक लोगों के दिमाग में धारणा बनी हुई है कि उंगली में जो नीलम पहने उसको कष्ट पड़े ना सहने, ये एक धारणा है। अब मैं डिटेल जाती हूँ। नीलम हर किसी व्यक्ति को, शनि की साढ़े साती हो या महादशा हो, सूट करे इस बात की गारंटी नहीं है। शनि की साढ़े साती है आपको, यदि षष्टमी शनि की साढ़े साती है, अष्टम स्थान से साढ़े साती चल रही है आपको, यदि बारहवें नाश के स्थान से साढ़े साती चल रही है, तो मैंने जैसे कहा स्थान वृद्धि करो शनि, जिस जगह बैठेंगे उस जगह के गुणों में वृद्धि करेंगे। मान लीजिए मैंने नीलम पहना है, तो नीलम की क्वालिटी के जो गुण हैं शनि देव से संबंधित, उनकी कृपा और उनकी जो विस्तार लीला है, उसके गुण जो हैं पॉजिटिव भी जो हैं, उनको बढ़ोतरी में वो रत्न करता है। यदि मान लीजिए मैंने रोग ऋण शत्रु के छठवें स्थान के स्वामी शनि के रत्न पहने हैं, चाहे वो नीलम हो, लेपिस हो, ब्लैक स्टोन हो, जमुनिया हो, शनि के कोई भी रत्न हो, यदि मैंने षष्टमी शनि का पहना है, अष्टमी शनि का पहना है जो मृत्यु स्थान का कारक घर है, यदि मैंने नाश के स्थान के बारहवें घर के शनि का रत्न पहना है, तो मुझे साढ़े साती चले या न चले, सुनिश्चित रूप से मैं तकलीफ को निमंत्रण देती हूँ। और यदि मान लीजिए मेरी शनि की साढ़े साती इन स्थानों से नहीं है, किसी अच्छे स्थान से है जिसमें षष्टम अष्टम द्वादश नहीं आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि साढ़े साती चले और मैंने ये नीलम रत्न पहन लिया, तो सुनिश्चित रूप से मेरा राजयोग तो तय है। क्योंकि नीलम की जो क्वालिटी है, उसकी कॉस्मेटिक जो रेज पावर है, वो वायु